सबका एक स्पेसिफिक दायरा है स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि उसको क्या करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि उसको क्या करना है लेकिन बच्चों इंडिया कोई बहुत नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आजाद नहीं हुआ था पहले हम ब्रिटिश राज के अंडर थे फिर ब्रिटिश राज जाता है फिर हमारे देश के अंदर एक तरीके से कम्युनल वायलेंस होता है रायट्स होते हैं इंडिया को हम एक फेडरल कंट्री क्यों बोलते हैं व्हाई

तो असल में उसका मतलब क्या है और इंडिया को हम एक फेडरल कंट्री क्यों बोलते हैं वाई सो so, सारे के सारे जवाब आज की क्लास में जो है आपको मिल जाएंगे सो लेट स्टार्ट टूडे सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट फड़ से आगे आ जाते हैं बच्चों और यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि वॉट इज फेडरलिज्म मैम इतनी बारी हम लोगों ने शब्द सुन लिया है ना फेडरलिज्म 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 सिविक्स के अंदर ही लेकिन हमें कभी भी ढंग से मतलब नहीं पता होता है इस शब्द का दसवीं कक्षा में आ गए हैं फिर भी नहीं पता होता है तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी वॉट इज फेडरलिज्म बच्चों बेसिकली फेडरलिज्म इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली अ पावर शेयरिंग अरेन्जमेंट आप लोगों ने सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ा था और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जिसको हम फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं या फिर अगर आपको याद हो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पावर को अलग अलग लेवल्स पे बांटा जाता है तो वो होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग तो बच्चों जैसे कंट्री है जैसे भारत देश है अलग अलग लेवल्स कौन से हो गए एक तो सरकार हो गई जो पूरे देश के लिए है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर जो दूसरा लेवल है वो हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फिर उस स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल आ, हमारी जो है पंचायती राज ये सारा इंस्टीट्यूशन तो वो लोकल लेवल तक आपने सरकारें बना रखी है बट दीज आर डिफरेंट लेवल्स कोई लेवल एक छोटी सी जगह पर राज कर रहा है एक दूसरा लेवल है वो एक स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक तीसरा लेवल है वो पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है सो दिस वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज अ फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग या फिर फेडरलिज्म सो बेसिकली फेडरलिज्म एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है जब आप अलग अलग लेवल्स के बीच में पावर को बांट देते हो दो टाइप की Uh, सरकारें हो सकती हैं या तो एक सरकार ऐसी है जो कि पावर को डिवाइड कर रही है और एक सरकार ऐसी है जो पावर को डिवाइड नहीं कर रही और सारी की सारी पावर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है तो बच्चों ऐसी गवर्नमेंट जहां पर पावर को बिल्कुल डिवाइड नहीं किया जा रहा जहां पे सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे रखी है या फिर अगर स्टेट को भी दी है तो उस पर पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है ऐसी गवर्नमेंट को यूनिटरी गवर्नमेंट बोला जाता है और वहीं पे जहां पर पावर को अलग अलग लेवल्स के बीच में बांटा जाता है उसको एक फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है ठीक है तो यहां पर जरा सा याद कीजिए लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका मच जरा ना पावर शेयरिंग चैप्टर पे फिर से वापस चलिए और बेल्जियम और श्रीलंका जो दो देश है उनके एग्जाम्पल को याद करिए बेल्जियम के अंदर क्या हुआ था बेल्जियम के अंदर एक समय ऐसा होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास भी पावर थी जो स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट है उसके पास भी पावर होती थी लेकिन बच्चों रीजनल गवर्नमेंट से कभी भी पावर वापस छीनी जा सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेकिन 1993 में जब वहां पर एक अकोमोडेटिव प्रिंसिपल्स को लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा गया उसके बाद दोनों ही लेवल्स को पावर दी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को स्टेट लेवल के साथ शेयर किया गया रीजनल लेवल के साथ शेयर किया गया और अब जो है उसको एक फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बना दिया गया अब ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो काम है वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को छीनने का कोई अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होगा ठीक है तो ये चीज कर दी गई वहां पर एक फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कर दिया गया बट वहीं पर श्रीलंका जो थी वहां पर एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था मतलब पावर शेयरिंग तो था ही नहीं यूनिटरी फॉर्म था इन द सेंस वहां पे पावर को शेयर ही नहीं किया जा रहा था सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थी ऑब्वियसली तमिल्स चाहते थे कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिले बट ऐसा नहीं था ठीक है तो ये बड़ी ही सिंपल चीज है अगर मैं आप लोगों को यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट बताऊं कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूनिटरी गवर्नमेंट एंड अ फेडरल गवर्नमेंट सो देर इज कंट्रास्ट, यूनिटरी और एक फेडरल फॉर्म में देर इज डेफिनेटली अ कॉन्ट्रास्ट अगर मैं यूनिटरी की बात करूं तो यहां पर देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ठीक है तो यहां पर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट लेकिन फेडरल में देअर कैन बी द पावर इज डिवाइडेड बिट्वीन डिफरेंट लेवल्स ठीक है उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर रही हूं यहां पर यूनिटरी लेवल की तो यूनिटरी लेवल में अगर सब यूनिट्स को पावर भी दी गई है द सब यूनिट्स आर सब ऑर्डिनेट टू तो द सेंट्रल गवर्नमेंट सब यूनिट्स का मतलब है बच्चों कि अगर पावर सपोज स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल लेवल तक दे भी रखी है तो वो सारे लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट को सब ऑर्डिनेट है यानी कि उसके नीचे आते हैं तो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे पावर छीन सकती है उन पर राज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल लेवल पे पावर है तो नाम की है ठीक है तो उसको कभी भी छीना जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस हिसाब का अरेंजमेंट होता है वहीं पर अगर फेडरल फॉर्म की बात करें तो हर लेवल को पावर दी गई है सेंट्रल लेवल जो अलग अलग प्रोविंशियल लेवल है स्टेट लेवल है रीजनल लेवल बोल लो कुछ भी है तो उसको पावर दी गई है और यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता यहां पे कोई भी लेवल किसी के सब नहीं होता सेंट्रल लेवल के पास अपना काम जो है वो करेगा स्टेट लेवल के पास जो अपना काम है वो करेगा ठीक है तो एवरी वन हैज सेपरेट पास एंड सेंट्रल कैनॉट ऑर्डर द स्टेट टू डू समथिंग यहां पर Central government. यूनिटरी में ऐसा हो सकता है वहां पे ऑर्डर दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर जो देगी वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से अगर पावर छीनेगी भी सेंट्रल गवर्नमेंट तो पावर छीन भी सकती है यूनिटरी के अंदर पावर एक तरीके से बहुत ही सेंट्रलाइज होती है वहीं पर अगर हम फेडरल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ पावर एग्जिस्ट करेंगे जिनके बीच में पावर को बांटा गया होगा स्टेट लेवल जो है वो सेंट्रल लेवल को सब नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पावर को नहीं

और जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं बच्चों वेरियस यूनिट्स क्या है जैसे एक देश जो है उसके अलग अलग राज्यों से बना होता है है ना हर एक गांव से हर एक तबके से हर एक हम बोल सकते हैं राज्य से एक देश बनता है तो वो उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को भी पावर दी जाती है सेंट्रल लेवल को भी पावर दी जाती है पावर को डिवाइड जहां पे करा जाता है उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फेडरलिज्म बोला जाता है एज सिंपल एज दैट फेडरेशन के दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं एनी फेडरेशन टू लेवलमेंट ठीक है तो जैसे बचो अभी हम दो लेवल बता रहे हैं कि सेंटर भी है लेवल एक स्टेट लेवल भी है और दोनों ही लेवल्स पर हर कोई पावर एंजॉय कर रहा है मतलब सेंट्रल लेवल पर जो सरकार है वो पावर एंजॉय कर रही है स्टेट लेवल पर जो सरकार है वो पावर एंजॉय कर रही है इंडिपेंडेंटली ऑफ इच अदर सेंट्रल लेवल को पता है कि यार मेरे दायरे में ये ये काम आता है तो मैं वो काम करूंगा स्टेट लेवल को पता है कि मेरे दायरे में ये ये काम आता है तो मैं वो काम करूंगा कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा सब अपना काम इंडिपेंडेंटली करेंगे किसी का किसी पर जोर नहीं चलेगा सिंपल सी बात है ठीक है अब अब जरा यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है कई बार दैट इज द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की फीचर्स यानी कि बच्चों जब हम एक फेडरलिज्म को एक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म कौन कौन सी चीजें फेडरलिज्म में मौजूद होती हैं सबसे पहली चीज है कि देर आर टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम टायर्स भी बोलते हैं अब वो गाड़ी वाले पहिए टायर नहीं टी आई ई आर एस वाले टायर्स टायर्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स तो मिनिमम दो लेवल तो होंगे ही क्योंकि बच्चों देखो अगर दो लेवल नहीं होंगे अगर सेंट्रल और स्टेट लेवल ही नहीं होगा

Each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. अलग अलग लेवल तो हैं, पर वो अलग अलग लेवल जो हैं, वो सेम ही लोगों को गवर्न कर रहे हैं इसका क्या मतलब है जैसे एक व्यक्ति है वो ना यहाँ पे पंजाब में रह रहा है तो पंजाब की जो सरकार होगी यानी कि जो पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट होगी एक तरीके से वो भी उस इंसान को गवर्न कर रही है उसी के साथ साथ वो इंसान इन द सेंस इंडिया का भी तो नागरिक है तो जो भारतीय सरकार होगी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो भी एक तरीके से उस इंसान को गवर्न कर रही है तो द होल ऑफ इंडिया इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी गवर्न कर रही है पंजाब की गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स तो है बट ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स सेम ही लोगों को गवर्न कर रहे हैं तो अगर जैसे आप जैसे सपोज आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आप यूपी के भी नागरिक हो पर आप भारत के भी तो नागरिक हो तो यूपी की गवर्नमेंट भी आपको गवर्न कर रही है और इंडिया की गवर्नमेंट भी आपको गवर्न कर रही है ठीक है इट्स एज सिंपल एज दैट और हर किसी का दायरा अलग अलग होता है मतलब कि बच्चों इट इज वेरी वेल स्पेसिफाइड कि किसी भी लेवल के बीच में झगड़ा ना हो एक दूसरे के साथ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है पूरे क्लियरली स्पेसिफाइड होगा अब जैसे मेरे को पता है कि यार कोई मुद्दा ऐसा है जैसे मेरे को

jurisdiction of the respective levels or tiers of the government as specified in the constitution so existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed बच्चो यहाँ पे लिखा है कि जो दायरा है ना ये हम अपने मन से decide नहीं करेंगे कि यार कल को मुझे ना कनाडा पढ़ने जाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो का एक तरीके से दायरा है ये मैं खुद से डिसाइड नहीं करूंगी ये जो डिसीजन है कि कौन सी चीज किस गवर्नमेंट के दायरे में आती है ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर दी गई है इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि हर दायरे को हर दायरा जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है हमने अपने मन से नहीं बनाया है हमारे संविधान में ऑलरेडी लिख रखा है कि केंद्रीय सरकार का क्या काम है या फिर राज्य सरकारों का क्या काम है इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड नेक्स्ट पॉइंट इज कि फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल एंड सच चेंजेस रिक्वायर दसेंट ऑफ बोथ द लेवल गवर्नमेंट बच्चे जो फंडामेंटल प्रोविजंस है हमारे संविधान के यानी कि जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मौलिक चीजें हैं जिनको मतलब एक तरीके से जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है उस कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कोई भी एक लेवल अकेले नहीं बदल सकता है कल को भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का मन करे कि मैं ना काम करता हूं अपने आप को और ज्यादा पावरफुल लाइक हमारा जो लेवल है सेंट्रल लेवल इसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मैं ना यूनिटरी फॉर्म ही बना देता हूं संविधान में चेंज करके यूनिटरी सॉर्ट ऑफ फीचर्स ले आता हूं सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ले आता हूं ये सब बट ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो फंडामेंटल प्रोविजन है कि गवर्नमेंट तो के जो अलग अलग levels कि जो भी लेवल्स हैं उनका कंसेंट लेना उनकी रजामंदी लेनी पहले जरूरी है तो अगर कोई भी चेंज लाना है उसके लिए सेंट्रल स्टेट दोनों ही लेवल्स की रजामंदी लेनी जरूरी है किसी एक लेवल द्वारा वो बदलाव नहीं आ सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंटर या की फीचर हमारा है जो कोर्ट्स है हमारे जो कोर्ट का सिस्टम है जो जुडिशरी है उनके पास ये पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान को इंटरप्रेट कर सकते हैं यानी कि संविधान में क्या लिखा है उसका व्याख्या करना उसका मतलब निकालना ये कोर्ट्स खुद से देखेंगे और उसके बाद वो एक तरीके से कोई भी अगर डिस्प्यूट आती है कल को सेंट्रल या स्टेट के बीच में या फिर किसी एक स्टेट या दूसरे स्टेट के बीच में तो अगर कोई भी ऐसी डिस्प्यूट होती है तो कोर्ट्स विल एक्ट एज एन अंपायर टू तो सोल्व दोस्प्यूट उन लड़ाई झगड़ों को सुलझाने में कोर्ट का ही रोल है इस वजह से कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो पहले ही संविधान को इंटरप्रेट करके रख ले उसको पता हो कि संविधान में क्या चीज लिखे क्या नहीं लिखी ताकि वो कल को न्याय कर सके एक हम बोल सकते हैं मतलब बिना बायसनेस के बिना के और न्याय प्रोवाइड कर सके ठीक है नेक्स्ट पॉइंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच लेवल इज क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनमी तो सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू यानी कि जहां से पैसा आएगा हर लेवल को जहां से पैसा मिलेगा वो बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड होता है ताकि हर लेवल के पास एक फाइनेंशियल ऑटोनमी मौजूद हो कि अगर सेंट्रल लेवल है तो उसको पता है कि भाई मेरे को पैसा कहां से आएगा स्टेट लेवल उसको पता है मेरे पास पैसा कहां से आएगा ताकि पैसे के बेसिस पर भी कोई लड़ाई झगड़े ना हो और उसी के साथ साथ बच्चों फेडरल सिस्टम का डुअल ऑब्जेक्टिव है फेडरल सिस्टम के दो उद्देश्य है या फेडरल सिस्टम को लाने के पीछे दो उद्देश्य है सबसे पहला उद्देश्य है ये है कि जो देश है उसकी यूनिटी को सेफ गार्ड करना प्रमोट करना यानी कि जितने भी अलग अलग देखो यार पावर को शेयर ही क्यों किया जाता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो ताकि लड़ाई झगड़े ना हो ताकि हर कोई खुशी से रहे तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो यूनिटी है कंट्री की जो एकता है देश के अलग अलग लोगों के बीच में उसको सेफ गार्ड करना उसको प्रमोट करना दिस इज लाइक द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड सेकेंड एट द सेम टाइम टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टूगेदर एंड टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी अकोमोडेट रीजनल डायवर्सिटी का ये मतलब होता है कि जो हर क्षेत्र की एक अपनी भिन्नता भी है उसको भी एक तरीके से साथ में लेकर चलना हर हर अलग अलग जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं वो भिन्नता है वो जो डायवर्सिटी है उस डायवर्सिटी को भी एक तरीके से देश का हिस्सा बना के रखना है और देश की एकता को भी प्रमोट करना है तो ये फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ठीक है अकोमोडेशन सभी लोगों का डायवर्स को अकोमोडेट करके देश का हिस्सा बनाकर रखना और देश के अंदर एकता बनी रहे इस चीज को इंश्योर करना तो ये हो गए बच्चों हमारे की फीचर्स ठीक है तो इसमें भी एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब जरा हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर तो यार दो तरीके हैं दो रूट्स हैं जिससे कि फेडरेशन फॉर्म हुई है ठीक है तो जो मतलब दुनिया में अलग अलग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस तरीके से फॉर्म हुई हैं उस दो रूट्स हैं टू रूट्स हाउ फेडरेशंस हैव बिन फॉर्म्ड ठीक है तो दो अलग अलग रूट्स हैं जो कि अपनाए गए थे फेडरेशन बनाने के लिए सबसे पहला रूट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन कमिंग टुगेदर का सिंपली मतलब क्या है बच्चों कि बहुत अलग अलग जो है जगहें हैं जो साथ में आ रही हैं और साथ में आकर वो एक फेडरेशन फॉर्म कर रहे हैं साथ में आना वही मतलब है देखो इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू तो फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट तो कुछ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्टेट ठीक है आजाद थे वो स्टेट वो राज्य अब उन्होंने डिसाइड करा कि हम सबने साथ में आएंगे साथ में मिल जाएंगे और जब लोग साथ में मिल जाते हैं तो क्या होता है स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है तो उन्होंने यही सोचा था कि हम एक बिगर यूनिट फॉर्म करेंगे ताकि हम लोगों की जो सॉवरनिटी है एक तरीके से हम आजाद है हमारे ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है बट हम इस चीज को पूल कर देंगे ठीक है विल पूल इन कलेक्टिवली हम उस सॉवरनिटी को भी मिला देंगे और अपनी जो अलग पहचान है उसको भी रिटेन करके रखेंगे ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी पहचान गवा देंगे ऐसे पूल करके हर चीज लेकिन इससे क्या होगा जब हम एक बड़ा यूनिट फॉर्म करेंगे तो विल बी इंक्रीजिंग आवर सिक्योरिटी तो बहुत से इंडिपेंडेंट स्टेट्स जब ये निर्णय उन्होंने लिया कि हम सब साथ में आके एक बड़ा यूनिट फॉर्म करेंगे उस बड़े यूनिट में बिकॉज वी ऑल आर सॉन वी आर फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल हम उस चीज को पूल इन करेंगे बट हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी बचा कर रखेंगे लेकिन हमें कर क्यों रहे हैं, मकसद हमारा ये है कि हमारी सिक्योरिटी एज अ होल इंक्रीज हो जाए सब मिलकर और ज्यादा शक्तिशाली बन जाए तो ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं इनके पास इक्वल पावर होती है एंड ये स्ट्रोंग इन रिलेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड मतलब इन द सेंस हम बोल रहे हैं कि जैसे सपोज ये एक ए स्टेट है ये भी इंडिपेंडेंट है बी स्टेट भी इंडिपेंडेंट है ये सी स्टेट है अब ये सब साथ में आ जाते हैं और ये एक बड़ा सा यूनिट फॉर्म कर लेते हैं ठीक है सो दे हैव ऑल कम टूगेदर एंड दे हैव दिस बिग यूनिट और अब ये क्या होगा मतलब ये भी स्ट्रांग है ये भी अपने आप में स्ट्रांग है ये भी अपने आप में स्ट्रांग है सबके पास बराबर पावर है ए के पास भी बी के पास भी सी के पास भी सबके पास बराबर पावर है और सब उतने ही स्ट्रांग है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है ठीक है सब उतने ही शक्तिशाली है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है तो ये तो हो गई कमिंग टूगेदर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यूएसए स्विट्जरलैंड और साथ ही में हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया ठीक है बात ये जो तीनों जगहें हैं ये एक तरीके से हमारे कमिंग टुगेदर फेडरेशन का हिस्सा है ओके यूएसए स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑल कम टुगेदर और ज्यादा स्ट्रॉग हो जाएंगे और ज्यादा अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर लेंगे बट हाँ अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेंगे ठीक है तो दैट वॉज देयर डिसीजन एंड दे आर ऑल इक्वली स्ट्रांग जितने भी इंडिपेंडेंट यूनिट्स आए हैं वो सारे इक्वली स्ट्रांग है और उतने ही पावरफुल है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है तो ये तो एक रूट हो गया फेडरेशन को फॉर्म करने का दूसरा रूट है जो भारत ने अपनाया यानी मतलब कि होल्डिंग पकड़ के रखा हुआ है अपने साथ, ठीक है? है। करके रखा हुआ है. तो वेन अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड द पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट जब एक बहुत बड़ा देश यह निर्णय लेता है कि अब जो पावर है हम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में बांट देंगे तो वो होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि जहां पे एक तरीके से सेंट्रल लेवल ने सबको होल्ड करके रखा हुआ है अब इस कंडीशन में में क्योंकि यार पावर ही सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बीच बांटी गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स कमिंग टुगेदर में स्टेट्स भी उतने ही पावरफुल थे जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल थी लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा शक्तिशाली है स्टेट्स के कंपेरिजन में एंड डिफरेंट units में हैव unequal powers. पावर्स डिफरेंट may में हैव powers पावर्स का क्या मतलब है बच्चे डिफरेंट यूनिट्स में हैव unequal powers पावर्स का मतलब है कि हो सकता है कि किसी स्टेट को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हो बाकी स्टेट्स को ना दी गई हो जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर हमारे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनको कुछ स्पेशल स्पेशल पावर दी गई थी तो हर स्टेट इक्वल नहीं है ठीक है कमिंग टुगेदर में क्या था हर स्टेट बराबरी पे है हर स्टेट उतना ही इक्वल है जितना दूसरा स्टेट है सबको इक्वालिटी मिली हुई है लेकिन यहां पर क्या होता है कभी कभी कुछ स्पेशल कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं तो ये जो हमारे डिफरेंट यूनिट्स हैं उनके पास अनइक्वल पावर्स भी हो सकते हैं और राइट आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है होल्डिंग टुगेदर टाइप की फेडरेशन पाई जाती है इंडिया स्पेन और बेल्जियम में तो यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं ठीक है तो ये हमारे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है अब जरा आगे आते हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री भारत को कौन सी ऐसी चीज है जो एक फेडरल देश बनाती है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री देखिए बच्चों इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड अ ब्लडी पार्टीशन भारत को आजादी मिलती है 1947 में लेकिन बच्चों इंडिया कोई बहुत नॉर्मल सर्कमस्टांस में आजाद नहीं हुआ था पहले हम ब्रिटिश राज के अंदर थे फिर ब्रिटिश राज जाता है फिर हमारे देश के अंदर एक तरीके से कम्युनल वायलेंस होता है राय होते हैं टू नेशन थ्योरी ऑल ऑफ दैट फिर पार्टीशन होता है दो अलग अलग देश बनते हैं एक भारत एक पाकिस्तान तो एक पार्टीशन के बाद हमारा देश आजाद हुआ था विच वॉज अ वेरी वेरी ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल एट द टाइम बहुत पेनफुल और ब्लडी एक्सपीरियंस था साथ ही में सून आफ्टर इंडिपेंडेंस आजादी के तुरंत बाद बहुत से प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो हमारे देश का हिस्सा बन गए थे तो बच्चों कुछ आपको पता ही होगा कि पहले जो है आ, ब्रिटिश रूल के अंडर देर वर प्रोविंसेस जो कि उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी और फिर कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे यानी कि जहां पे राजा महाराजा लोग शासन किया करते थे अब बहुत से ऐसे प्रिंसली स्टेट्स को आजादी दे दी जाती है कि आप या तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ भारत का हिस्सा भी बन सकते हो या फिर आजाद होना है तो आजाद भी हो सकते हो तो फिर हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद उन प्रिंसली स्टेट्स को भी भारत में शामिल करा ठीक है उनको कन्विंस वगैरह करा तो वो सारी चीजें हुई कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिक्लेयर करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब कि बच्चों हमारे संविधान में कहीं पर भी जो वर्ड है फेडरेशन वो ही नहीं है हम बोलते हैं कि इंडिया फेडरेशन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है है ना ऑफ तो फेडरेशन पर बेस्ड है बट कहीं पर भी जो फेडरल वर्ड है या फेडरेशन वर्ड है वो नहीं दे रखा सिर्फ इतना लिख रखा है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स कि भारत जो है भारत के डिफरेंट राज्यों का एक तरीके से यूनियन से बना है ठीक है अब देखिए फेडरेशन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि यार हमारे संविधान में ही पावर को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उनका दायरा क्या है उनकी पावर क्या है इस चीज को मेंशन किया गया है तो डेफिनेटली वी आर बेस्ड ऑन द ऑफ फेडरेशन बट द वर्ड फेडरेशन इज नॉट गिवन एनी वेयर इट जस्ट रिटर्न इंडिया इज अन ऑफ स्टेट उसी के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑरिजिनली टू टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया था ओरिजिनली संविधान के अंदर एक दो लेवल का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिखा गया था बताया गया था कि भारत है दो लेवल मतलब सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल लेकिन बाद में बच्चों एक तीसरा लेवल जो है हमारे फेडरलिज्म का उसको भी ऐड किया गया इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि लोकल गवर्नमेंट का जो तीसरा लेवल है उसको बाद में ऐड करा गया स्टार्टिंग में नहीं था ये लेवल सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड करा गया था फिर एक तीसरे लेवल को भी बाद में कर दिया गया। ये जो different, different tiers different levels ये जो अप, हैं, अपनी separate jurisdiction enjoy करते हैं सेपरेट ज्यूरिस्टिक्शन का मतलब है कि सबका एक अपना अलग दायरा है जिस जगह पे वो लेजिस्लेट कर सकते हैं कानून बना सकते हैं जिन चीजों पर तो वो दायरा भी बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये चीज लिखी गई है कि देर इज अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तीन आ, तीन हिस्सों में पावर को डिवाइड करा गया है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ठीक है बच्चों मतलब लिस्टें हैं हमारे पास कौन सी लिस्ट है देखो संविधान में ना तीन लिस्टें दे रखी हैं एक है यूनियन लिस्ट एक है स्टेट लिस्ट एक है कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स गिवन है उन सब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कि यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकती हैं ठीक है तो चलिए जरा यहां पर मैं आपको बताती हूँ यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं तो सबसे पहले डिफेंस फॉरन अफेयर्स बैंकिंग डिफेंस फॉरिन अफेयर्स बैंकिंग करेंसी तो ऑल द मैटर्स विच एक्चुअली कंसर्न द इंटायर कंट्री अब डिफेंस को आप स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं दे सकते है ना देश की जो सुरक्षा है वो तो जाहिर सी बात है कि आपको केंद्र सरकार के हाथ में देनी होगी डिफेंस है फॉरेन अफेयर्स है बैंकिंग है करेंसी है कम्युनिकेशन है तो ये सारी चीजें हमारे यूनियन लिस्ट में आती है यानी कि जिसपे सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार या फिर जिसपे सिर्फ और सिर्फ ज्यूरिस्डिक्शन किसकी है हमारी सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की फिर आती है स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट की अगर मैं बच्चों बात करूं तो यहां पर स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो कि एक तरीके से हमारे राज्य सरकारों के दायरे में आते हैं तो स्टेट की क्या होती है अपनी पुलिस अपना ट्रेड अपना एग्रीकल्चर कॉमर्स इरिगेशन, पुलिस ये सारा आता है अपने स्टेट गवर्नमेंट के तहत ठीक है पुलिस ट्रेड कॉमर्स एग्रीकल्चर इरिगेशन ऑल ऑफ थिंग्स वहीं कॉन्करेंट लिस्ट अब ऐसी है जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों ही बराबर हिस्सा निभाते हैं यानी कि दोनों के ही दायरे में ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे एजुकेशन हो गया पढ़ाई लिखाई की बात हो गई पढ़ाई लिखाई तो यार स्टेट लेवल पे भी सोचना पड़ेगा उसके बारे में सेंट्रल लेवल पे भी सोचना पड़ेगा अडोप्शन सक्सेशन फॉरेस्ट ट्रेड यूनियंस ठीक है सो ऑल ऑफ कम अंडर दी लिस्ट फॉरेस्ट से रिलेटेड भी और कॉन्ेंट लिस्ट पे दोनों का मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो दोनों के दायरे में आते हैं सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही ठीक है अब बच्चों ये तीन लिस्टें तो बना दी गई थी थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पावर्स का क्लियरली बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है ताकि उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो लेकिन अब लिस्ट बनने के बाद कुछ नए सब्जेक्ट ओवर द टाइम इमर्ज करे जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सब्जेक्ट ठीक है सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा सब्जेक्ट बाद में इमर्ज करता है अब तीन लिस्टें तो ऑलरेडी भर चुकी थी तो हमने ना एक नई लिस्ट बना दी रेसिडोरी सब्जेक्ट्स की जिसको हमने बोला रेसिडोरी लिस्ट रेसिडोरी लिस्ट, लिस्ट यानी कि जो सारे सब्जेक्ट्स बाद में आए थे ठीक है लिस्टों के बनने के बाद हमने रेसिडुअरी लिस्ट में डाल दिया और रेसिडरी लिस्ट पे जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे लेजिस्लेट करने का दायरा किसका है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है दायरे में सेंट्रल गवर्नमेंट के आएंगे रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स और राइट तो इस तरीके से एकदम क्लियरली पावर को डिवाइड कर दिया गया है ताकि भाई आपस में मत झगड़ो प्लीज ये सब मत करो ठीक है नाउ देन वी मूव आगे और यहां पे देखो ये क्या करा है ये पूरा भारत ही है हाँ ये कुछ कुछ मैप में आपको ऐसे पीओके को अलग करता हुआ दिखेगा लेकिन ये पूरा भारत है इसको मैं ब्लैक कलर से भी वो कर देती हूँ तो बच्चे ना बिल्कुल मेरे ऊपर वो हो जाते कि मैम मैप हाँ इंडिया ओनली नाउ हमने बच्चों ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमारा एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है तो जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में उनके स्पेशल क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए पावर दी गई थी तो क्या होता था कि जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल पावर के हिसाब से ये जो स्टेट था पहले स्टेट था ये पहले राज्य था अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है पहले राज्य था तो इसका एक अपना एक अलग सा संविधान होता था एक अपना स्टेट फ्लैग होता था ऑटोनॉमी होती थी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर यानी कि जो भी स्टेट में होगा उसके उस एडमिनिस्ट्रेशन पे इनका खुद की पावर्स थी इनके पास बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं करेगा साथ ही में बहुत से भारतीय संविधान के प्रोविजन थे जो कि स्टेट में एप्लीकेबल ही नहीं थे जो कि स्टेट में लागू नहीं हो सकते थे और लागू तभी हो पाएंगे जब वहां की जो लेजिस्लेचर है स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट असेंबली वो पहले अपना अप्रूवल देगी पहले स्टेट असेंबली रजामंदी देगी कि हाँ ये फीचर हमें एप्लीकेबल लग रहा है ठीक है तो मंजूरी देने के बाद वो चीज एप्लीकेबल होगी नहीं तो नहीं होगी उसी के साथ में इंडियंस जो कि यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं थे वो यहां पे ना तो जमीन खरीद सकते थे ना ही घर खरीद सकते थे तो जम्मू एंड कश्मीर को बचो ये पावर्स मिल रखी थी स्पेशल पावर्स मिल रखी थी थ्रू आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 के थ्रू ये पावर मिल रखी थी अभी जो है इस आर्टिकल का खंडन कर दिया गया है और अब हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं अब जो है यहाँ पर लोग घर भी खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी भी, भी बाय कर सकते हैं और बहुत से मतलब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए हैं सो दैट इज वॉट हैज बिन डन उसी के साथ साथ अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं तो दैट इज आर्टिकल 371 तो आर्टिकल 371 के हिसाब से हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे जैसे कि हमारी अगर मैं बात करूं आ, आसाम है नागालैंड है मिजोरम है ठीक है अरुणाचल प्रदेश है तो इन सबको भी एक तरीके से बहुत से स्पेशल प्रोविजंस मिल रखे थे थ्रू आर्टिकल 371 एक तरीके से उनके इंडिजिनियस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एक तरीके से प्रायोरिटी मिलती थी गवर्नमेंट सर्विसेज में ऑल ऑफ दैट और इंडियंस जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं थे इन सब जगहों के उनको वहां पे घर भी नहीं लेने दिया जाता था तो ये वो सब बात थी अब बच्चों ऑब्वियसली uh, उनके स्पेशल सर्कमस्टांसिस को मद्देनजर रखते हुए उनको ये स्पेशल हम बोल सकते ट्रीटमेंट दिया गया है तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि मैम इससे तो लेकिन इन प्रमोट हो रही है सारे राज्यों को बराबर नहीं ट्रीट किया जा रहा है ऐसा नहीं है वहां की कुछ ऐसे हिस्टोरिकल कल्चरल कंडीशन ऐसी थी कि जिसकी वजह से वी हैड टू गिव देम सर्ट स्पेशल प्रोविजन सर्ट स्पेशल ट्रीटमेंट ठीक है नाउ लेट्स मूव अहेड और यहां पर देखिए क्या बात हो रही है यस yes, यहां पर बात हो रही है यूनियन टेरिटरीज की लिखा ही नहीं है हमने यहां पर बात हो रही है यूनियन टेरिटरीज की यूटीज अब बच्चों देखो बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुनना अब भारत जो है सी बात है कि इंडिया के अंदर देर आर ट्वेंटी एट स्टेट्स इंडिया के अंदर सब स्टेट्स ही नहीं होती हर हर जगह

का प्रशासन करने के लिए ऑल ऑफ दोज थिंग्स ठीक है अब एट यूनियन टेरिटरीज हैं अगर आप देखें बिल्कुल ऐसे मैप को विजुअलाइज करके तो जम्मू कश्मीर लद्दाख उसके साथ हमारी दिल्ली चंडीगढ़ फिर आता है दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव ठीक है वो सब आता है उसके बाद आता है हमारा पुडुचेरी फिर हमारे जो दो आइलैंड्स है यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स तो ये सब यूनियन टेरिटरी है आठ हो गए है ना यस yes. सो so, बिल्कुल सही तो so, ये सारे हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं और इंडिया के अंदर ट्वेंटी एट स्टेट भी हैं शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेन्जमेंट एंड एनी चेंज हैज टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद एट लीस्ट टू थर्ड मेजोरिटी तो यार ये जो शेयरिंग ऑफ पावर के लिए हमने इतनी लिस्टें बना रखी हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट रेस्टिडरी लिस्ट ये सब शेयरिंग ऑफ पावर एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है मूल है उसका ठीक है तो इसको बदला नहीं जा सकता पार्लियामेंट खुद से इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती कि कल को बदल देगी भाई चलो एजुकेशन को बिल्कुल हम यूनियन लिस्ट में डाल देते नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकते कोई भी चेंज नहीं ला सकते हो तो कोई भी अगर चेंज लेकर आना है तो सबसे पहले तो जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास कर पड़ेगा बाय टू थर्ड मेजोरिटी जो कि बहुत ही मुश्किल है ठीक है और उसके बाद जो लेजिस्लेचर है ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स उनसे भी रेटिफाई कराना पड़ेगा तो भारत के अंदर अगर 28 स्टेट्स है तो उनमें से 14 स्टेट्स मिनिमम 14 स्टेट्स की लेजिस्लेचर में भी वो चीज पास करानी पड़ेगी उसके बाद जाके कोई भी ऐसा चेंज आ सकता है विच इज एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इतना बच्चों इतने लोग मतलब रजामंद होंगे ही नहीं तो वो अली चीज है मतलब बहुत मुश्किल प्रोसीजर बना रखा है साथ ही में अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो नतीजा लेंगे वो एज एन अंपायर एक्ट करेंगे और इन डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे क्योंकि यार हमने देखा था कि जुडिशरी के पास एक तरीके से पावर है टू तो इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन और इसी वजह से वो न्याय देंगे और जो भी झगड़ा होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे और राइट चलिए आगे चल लेते हैं हम लोग गाइस, एज वी मूव अहेड यहां पर अब जो नेक्स्ट चीज है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड और वो भी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में असल में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है तो लेट्स लुक एट दैट इज वेल देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर डेफिनेटली नेसेसरी लेकिन फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दे आर नॉट इनफ दे सफिशियंट इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आर कंट्री यार अभी तक ना हम लोगों ने थियोरेटिकल बात करी है थ्योरी की बात करी है समझो ऐसा होता है होल्डिंग टूगेदर कमिंग टूगेदर अलग अलग डेफिनेशन मतलब अलग अलग तरीके होते हैं फेडरेशन को फॉर्म करने के साथ ही में बहुत सी ऐसी चीजें हमने देखी कि यार ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है ऐसा डिविजन होता है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए बट असल में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों की इन रियालिटी राइट हम सक्सेसफुली फेडरलिज्म right? को अपनाया है हम लोगों ने सक्सेसफुली उसको आगे लेकर चल रहे हैं तो ऐसा क्यों है थ्योरेटिकली किसी की चीज को आपने लिख दिया बट दैट इज नॉट सफिशियंट ना आपको उसे हकीकत में अपनाना भी तो पड़ेगा वैसा बनना भी तो पड़ेगा ठीक है एंड हमारी कंट्री का डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर है जिसको हम क्रेडिट दे सकते हैं कि हाँ शायद इस डेमोक्रेसी की वजह से फेडरलिज्म इतने बढ़िया तरीके से हम चला पा रहे हैं या फेडरेशन बन पाए हैं सबसे पहले यहां पर वील स्टडी अबाउट थ्री थिंग्स तीन चीजें कि फेडरलिज्म को इंडिया में कैसे प्रैक्टिस करा जाता है सबसे पहली चीज है Linguistic states, इसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में और लास्ट चीज जिसके हम बात करेंगे इस टॉपिक में वो होगा सबसे पहली चीज़ बच्चों यहां पे linguistic states. Linguistic का मतलब सभी को पता है पावर शेयरिंग में पढ़ा है हम लोगों ने लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स अब obviously यार इंडिया के अंदर इफ यू सी पंजाब जो है वहां पे लोग पंजाबी बोलते हैं है ना यहाँ पर अगर हम देखें जैसे

सम स्टेट्स वर क्रिएटेड टू डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी बच्चों यहाँ पे सिंपली ये बोला जा रहा है कि जैसे पहले के टाइम में जिस तरीके से स्टेट्स बन रखे थे या क्रिएट हो रखे थे अब बहुत से स्टेट्स वैसे जा चुके हैं नए नए स्टेट्स बन चुके हैं बाउंड्रीज फिर से ड्रॉ हो चुकी हैं एरियाज चेंज हो चुके हैं नेम ऑफ दल्सो बिन चेंड 1947 के टाइम पर बहुत से कुछ नए स्टेट्स को इसलिए भी क्रिएट करा गया था जैसे लोग कुछ, कुछ लोगों का कल्चर डिफरेंट है तो उस बेसिस पे स्टेट को क्रिएट कहीं की ज्योग्राफी डिफरेंट है लाइक लैंड फॉर्म ऑल ऑफ दोस थिंग्स तो उस बेसिस पे स्टेट को क्रिएट कहीं की एथेनिसिटी एथनिक ethnic लोग एक टाइप के हैं तो वो एक जगह पे रहना चाहते हैं एक साथ रहना चाहते हैं तो उस बेसिस पे भी स्टेट्स को क्रिएट करा गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चीज देखने को मिलती है ठीक है अच्छा यहीं पर अब अभी देखो अब क्या हुआ था जब इनिशियली बात हुई थी कि यार लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करना है सो हमारे पोलिटिकल लीडर्स दे वर नॉट एक्चुअली हैप्पी विद इट उन लोगों को लगा कि शायद जब हम भाषा के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करेंगे तो कल को अलगाववाद एक टेंडेंसी जो है है वो इमर्ज हो सकती है। लोग कल को बोले कि हमें तो भाई भारत से अलग होना है है ना तो वैसे लीडर्स को लग रहा था कि आ सकते हैं लोगों के बीच में बट ऐसा नहीं हुआ हमें देखने को ही मिलता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे जब हमने स्टेट्स को क्रिएट करा तो उससे एक तो उस एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गई प्लस जो अलग अलग भाषा के लोग हैं वो साथ में एक देश का हिस्सा बन के और बेहतर तरीके से रह पा रहे हैं और अपने स्टेट का हिस्सा बन के बेहतर तरीके से शांति से रह रहे हैं और देश का हिस्सा बन के भी शांति से रह रहे हैं तो ऐसे कुछ लाइक वो अलगावाद की भावना और वो सब चीजें नहीं आई ठीक है सो वी आर लाइक रियली हैप्पी अबाउट इट नेक्स्ट चीज जो है वो है लैंग्वेज पॉलिसी अब बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और काफी लोगों को ये बात पता ही नहीं होती कि इंडिया की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है इंडिया डज नॉट हैव अशनल लैंग्वेज बहुत लोगों को गलत फहमी होगी कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है बट ऐसा नहीं है हिंदी बच्चों हमारे देश में सिर्फ फोर्टी परसेंट लोगों की मदर टंग है लेकिन सब लोग तो हिंदी नहीं बोलते ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को इंडिया में बोला जाता है उड़िया बंगाली पंजाबी गुजराती है ना मलयालम कन्नड़ क्या क्या भाषाओं को बोला जाता है भारत के अंदर इंडिया इज लाइक अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस ऑल ऑफ दैट कम्बाइंड अब इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस किसी भी एक लैंग्वेज को नहीं दिया और हिंदी को सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के अलावा इक्कीस और भाषाएं हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की तरह रिकोगनाइज किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इन टोटल अगर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की बात करूं सो देर आर ट्वेंटी टू शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हिंदी भी उनमें से गई है और हिंदी को हटा दे तो इक्कीस और शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल लैंग्वेजेस होने का ये मतलब है बच्चों की इन लोग इन uh, सब लैंग्वेजेस को जो 22 टू लैंग्वेजेज हैं इंक्लूडिंग हिंदी उनको मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है जिसका सिंपली मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं वो इनमें से किसी भी भाषा में दिए जा सकते हैं ठीक है इन द लैंग्वेजेस दैट आर लिस्टेड स्टेट्स की भी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है तो हमने मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक ही भाषा को बहुत ज्यादा ऐसे हम प्रमोट कर रहे हैं जैसे श्रीलंका में कर रहे थे ना लोग सिन्हाला भाषा को प्रमोट किया जा रहा था हमारे जो कंट्री के लीडर्स हैं दे अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी तो हिंदी के इस्तेमाल को फैलाने के लिए एक बहुत सावधानी बरती गई क्योंकि ये पता था कि यार सिर्फ 40 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है सबकी मातृभाषा नहीं है तो अगर इसका यूज हम बहुत ज्यादा भी फैलाते जाएंगे तो कई जगहों से प्रोटेस्ट होने लगेगा कई लोग जो होंगे वो एक तरीके से मानेंगे नहीं कि यार हिंदी को क्यों आप फैला रहे हो वो कर रहे हो तो बहुत कॉशियसली बहुत सावधानी से उसके यूज को फैलाया जाता है मतलब फैलाया कोई थोप नहीं रहे हैं वैसे ही प्रमोट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश का जो यूज था एज ऑफिशियल फॉर ऑफिशियल दिल वो रुक जाना था इन मतलब अंग्रेजों के जाने के बाद हमने सोचा था कि अब इंग्लिश को ना जैसे इंग्लिश उस टाइम ऑफिशियल पर्पजेज के लिए यूज की जाती थी फिर हमने सोचा कि यार ये तो अंग्रेजों की भाषा है अंग्रेजों ने तो इतने टाइम शासन करा अब इनकी भाषा को ही रोक देंगे हम लोग बट बहुत से नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे मेजरली साउथ इंडियन स्टेट्स जिन्होंने डिमांड करा कि इंग्लिश का जो इस्तेमाल है वो कंटिन्यू होना चाहिए और ये चीज काफी वायलेंट फॉर्म भी ले लेती है जैसे तमिलनाडु के अंदर दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म बहुत हिंसक हो जाता है यह आंदोलन कि अंग्रेजी भाषा बंद नहीं होगी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल चालू रहेगा तो फिर मान ली भाई बात मानने में क्या ही जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर रिस्पोंड करा हमारी केंद्रीय सरकार जो है उसने इस बात पर रिस्पॉन्ड करा और बोला कि ठीक है वी विल कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल तो हिंदी को तो हम ऑफिशियल के लिए यूज करते ही हैं लेकिन क्योंकि आप लोग इंग्लिश को भी रोकने नहीं दे रहे हो तो ठीक है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी हम लोग ऑफिशियल पर्पेस के लिए यूज करेंगे हिंदी का प्रमोशन आज भी हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी रहती है प्रमो, प्रमोशन हो रहा है बच्चों ठीक है प्रमोट कर रहे हैं प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि, कि किसी पे जबरदस्ती हिंदी को थोपा जा रहा है दैट इज नॉट हैपनिंग ओके प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि इम्पोज कर रहे हैं हिंदी को स्टेट्स के ऊपर जहां पे लोग अलग भाषा बोलते हैं तो किसी पे थोपा नहीं जा रहा है लेकिन दिस इज अनलाइक श्रीलंका क्योंकि श्रीलंका के अंदर तो सिन्हाला भाषा को ही प्रमोट किया जा रहा था थोपा जा रहा था बहुत एक प्रेफरेंस दी जा रही थी जो लोग सिन्हाला भाषा में बात करते थे तो ऐसा कुछ भारत में हो नहीं रहा है ठीक है फिर आती है बात सेंटर स्टेट रिलेशन की तीसरा एक ऐसा आ, हम बोल सकते हैं एक ऐसा मुद्दा जो हम बोल रहे हैं कि जिसके थ्रू फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी कि हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में क्या रिश्ता है ये रिश्ता क्या कहलाता है देखो सो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड द लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स हमारा बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो अरेंजमेंट कर रखा है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दे रखा है सेंटर को बता रखा है तुम्हारे पास ये पावर है स्टेट को बता रखा है तुम्हारे पास ये पावर है लेकिन असल में असल में जब फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने की बात आती है तो इट टोटली डिपेंड्स कि जो रूलिंग पार्टी है यानी कि बच्चों जो हमारी केंद्रीय सरकार है जो पार्टी शासन में है वो किस तरीके से और जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से इन अरेंजमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं So, एक बहुत लंबे समय तक एक ही पार्टी जो है सेंटर और मैक्सिमम स्टेट्स पे रूल करती थी आपको पता ही होगा 1947 यानी कि भारत आजादी की आजादी के बाद वाज जस्ट वन पार्टी जिसका डोमिनेंस थ्रू आउट इंडिया देखने को मिलता था दैट वॉज दी कांग्रेस पार्टी अभी ठीक है थोड़ी सी बहन बच गई है लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी का दबदबा था भाई पूरे भारत में और दबदबा ऐसे नहीं था कि वो कुछ गलत काम करके जीत रहे थे ठीक है कि कुछ रिगिंग कर रहे थे इलेक्शंस के मतलब दे आर द मोस्ट पॉपुलर पार्टी एट दैट टाइम पीपल न्यू अबाउट देम द मोस्ट मैक्सिमम पीपल न्यू अबाउट देम द मोस्ट लीडर्स जो थे कांग्रेस पार्टी के वो लोगों के चाहते थे फेवरेट थे नेशनल स्ट्रगल उस पार्टी ने कैरी आउट करा था तो दैट इज वाई वो पॉपुलरिटी की वजह से जीतते थे लेकिन बच्चों वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट दार्टी इज दैट रूल्ड एट देंटर ट्राई टू द पार्ट ऑफ द स्टेट लेकिन उस टाइम पे जब कांग्रेस सेंटर पे रूल करती थी केंद्रीय सरकार जो थी कांग्रेस की थी और मैक्सिमम स्टेट्स में भी कांग्रेस थी तो कुछ जो स्टेट्स बचते थे जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आती थी तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी उनको अंडरमाइन अपना थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी ठीक है विच इज डेफिनेटली रॉन्ग बट देन वॉट वी सी इज सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा मतलब कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज करते हुए देखी गई थी स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करती थी यानी कि ऐसी राज्य सरकारें जो कि कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी की होती थी तो वहां डिसमिस करते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट पाई गई है और मतलब स्टेट स्टेट गवर्नमेंट बोल रही हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर देती थी, थी जो कांग्रेस पार्टी की नहीं होती थी लेकिन 1990 के बाद इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स का ट्रेंड ही बदल जाता है तो ये वो टाइम था कि कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल हो गया और 1990 के बाद हम देखते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बहुत से स्टेट्स में उभरने लगती हैं यानी कि बच्चों जो क्षेत्रीय हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी उनका राइज देखने को मिलता है वो पार्टीज धीरे धीरे पॉपुलर होती हैं एंड दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ दिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर और बच्चों ये कैसा टाइम था जब सेंट्रल लेवल पर नेशनल लेवल पर कोई भी एक सिंगल पार्टी अपनी डोमिनेंस प्रूव नहीं कर पाती थी मेजोरिटी नहीं ला पाती थी तो ऐसे टाइम पर गठबंधन की सरकारें बनानी पड़ती थी यानी कि एक पार्टी मेजोरिटी सीट नहीं जीत पाई तो उस पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ मिलना पड़ता था और फिर सरकार बनानी पड़ती थी तो कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम आ गया था इसकी वजह से एक पावर शेयरिंग का नया कल्चर जो है वो देखने को मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पावर है उसको भी रिस्पेक्ट लोग देने लगते हैं क्योंकि बच्चों इट वाज लाइक अ टाइम देखो अभी मैं आपको सिंपली इसको सम अप करूंगी ना तो आपको समझ में आएगा एक मेजर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी आता है जिसकी वजह से मेड इट डिफिकल्ट फॉर द द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट इन एन आर्बिट्ररी मैनर सो देखिये सिंपल सी चीज है भारत में जब आजादी हमको मिली थी उसके बाद जब इलेक्शंस चालू हुए थे सो दिस वन सिंगल पार्टी कांग्रेस पार्टी दैट केप्ट ऑन विनिंग इन मैक्सिमम स्टेट्स एंड एट द सेंट्रल लेवल मतलब एट द सेंट्रल लेवल कांग्रेस पार्टी जब देखती थी कि किसी स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार बन रही है तो वो उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करती थी और बहुत बारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि राइवल पार्टी की होती थी उनको डिसमिस भी करती थी तो बच्चों फिर हम देखते हैं कि कल्चर जो है पॉलिटिक्स में चेंज होता है आफ्टर नाइनटीन जब किसी भी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती थी तो बहुत पार्टी साथ में मिलकर गठबंधन की सरकारें बनाने लगे जिससे कि एक सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी रीजनल पार्टीज को भी रिप्रेजेंटेशन मिलने लगी और रीजनल पार्टीज को रिस्पेक्ट मिलने लगी उनका राइज देखने को मिलने लगा इस टाइम पर तो एक पावर शेयरिंग का कल्चर डेवलप हो रहा था जहां पर एक सिंगल पार्टी रूल नहीं कर रही थी बल्कि बहुत सारी पार्टीज मिलकर रूल कर रही थी और बहुत सी रीजनल पार्टीज भी रूल कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी जजमेंट कि यार अब आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक स्टेट पार्टी को डिसमिस नहीं कर सकते हो तो उसके आने से भी काफी बदलाव यहां पर देखने को मिलता है और अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया डिसेंट्रलाइजेशन बच्चों सबसे पहले तो ये समझ लो कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन आई नो दैट देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस फेडरलिज्म का मतलब होता है जब आप पावर को शेयर करते हैं दो या दो से ज्यादा लेवल्स के बीच में बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप सेंटर से पावर लेकर स्टेट लेवल या फिर छोटे लेवल पर पावर को बांट देते हो मेजरली पर जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है तो इट टॉक्स अबाउट टेकिंग पावर अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट एंड गिविंग इट एट द लोकल लेवल तो सेंटर को आप थोड़ा सा वीक करके थोड़ी सी पावर उनकी लेकर लोकल लेवल पे पावर को जब दे रहे हो तो दैट इज डी हमारे भारत देश में हम देखते हैं कि सिर्फ दो लेवल से काम नहीं चल सकता सिर्फ दो लेवल पे पावर को बांटने से काम नहीं चल सकता दो लेवल कौन से थे सेंटर और स्टेट तो इनिशियली तो संविधान में यही था इनिशियली सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को बांटा हुआ था लेकिन इससे काम नहीं चल सकता बहुत से स्टेट्स हैं जो कि इंटरनली भी काफी डाइवर्स है तो बच्चों राज्यों के अंदर भी काफी डाइवर्सिटी मौजूद है देर एक ऐसी जरूरत थी कि पावर शेयरिंग विद इन द स्टेट भी हो तो यार देखो सेंट्रल लेवल पे आपने पावर दी आपने अलग अलग स्टेट्स को पावर दी लेकिन स्टेट के अंदर भी बहुत सी डाइवर्सिटी मौजूद है तो हम चाहते थे कि स्टेट के अंदर तक जो है हर छोटे से छोटे से लेवल तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए पावर को शेयर करा जाए इस वजह से एक तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसको लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है उसको हम लोग लेकर आए उसको हमने फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी एड करा लेकिन वॉट इज डी वॉट इज डिसंपल सी चीज है कि जब पावर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से लेते हो पूरी नहीं थोड़ी सी और उसको लोकल गवर्नमेंट को दे देते हो तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसन मेकिंग हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन या छोटे से छोटे लेवल तक छोटे से सबसे छोटा कौन सा एरिया होगा है ना हम देश की बात करते हैं उसमें बहुत सारे लोग आएंगे फिर स्टेट में उससे थोड़े कम हो जाएंगे स्टेट के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट आएगी डिस्ट्रिक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे गांव होंगे उस गांव में से फिर एक गांव तो आपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है आपकी डेमोक्रेसी का एक गांव वहां तक आप लोगों ने क्या करा है पावर को शेयर कर दिया है जिसकी वजह से बच्चों लोकल लेवल पर भी जो लोग होंगे दे विल डायरेक्टली टेक पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसीजर डेमोक्रेसी में उनका पार्टिसिपेशन एकदम देखने को मिलेगा तो एकदम छोटे से छोटे लेवल तक आपने जो है डेमोक्रेसी को पहुंचा दिया उन लोगों का पार्टिसिपेशन एंश्योर कर लिया बाय क्रिएटिंग अ थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट विच वॉज द लोकल लेवल ठीक है आगे देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी लोकल लेवल पर तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चों जैसे जो गांव होते थे जिला होता था ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो भी चीजें होती थी ये सब स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के तहत होते थे राज्य सरकार के तहत होते थे और जो इलेक्शन थे इन लोकल गवर्नमेंट्स में ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होते थे रेगुलर बेसिस का ये मतलब नहीं कि डेली रेगुलर बेसिस का मतलब है कि जैसे हर पांच साल में इलेक्शन होने हैं तो एक बार तो हो रहा है फिर हुआ ही नहीं दस साल तक ठीक है तो इस तरीके से रेगुलर इलेक्शन नहीं हो रहे थे जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी और लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी ना तो कोई खुद की पावर थी ना तो खुद के कोई संसाधन थे सो दे वर नॉट एबल टू फंक्शन इन अ गुड वे अब जो है बच्चों यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का और मेरी बात जो है ना बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर विच आई हैव सीन हैज बिन रिपीटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स तो इसको हम क्या मार्क करते हैं दिस इज द फाइव फाइव स्टार क्वेश्चन ठीक है स्टार वो चॉकलेट वाली होती है ना यहाँ पर फाइव स्टार अपना क्वेश्चन है देखो मैम भी करेंगी चलो बच्चों पर क्वेश्चन आता है ऑब्वियस सी बात है कि लोकल गवर्नमेंट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हम एक संविधान में बदलाव लेकर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आते हैं कौन से साल में 1992 में अभी आपने देखा कौन सी प्रॉब्लम्स जो है लोकल गवर्नमेंट फेस कर रही थी नाउ वॉट आर स्टेप्स वी ब्रॉट विद दिस अमेंडमेंट जिससे कि हमने उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी सबसे पहली चीज है इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अब संविधानिक रूप से ये चीज कंपल्सरी कर दी गई कि आपको रेगुलर इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में होल्ड करने ही पड़ेंगे कि अगर हर पांच साल में इलेक्शन होता है तो होगा ही होगा बिकेम मैंडेटरी दूसरी चीज सीट्स रिजर्व इन दिलेक्टेड बॉडीज एंड द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूलवर्ड क्लासेस तो बचो इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर सीट्स को रिजर्व किया जाने लग गया फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड दर बैकवर्ड क्लासेस ताकि जितनी भी जातियां हैं इनको भी एक तरीके से प्रतिनिधित्व मिले इनको भी एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले इन आवर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज तीसरी चीज जो करी गई दैट वाज एट लीस्ट वन थर्ड ऑफ ऑल पोजिशन रिजर्व फॉर वुमेन महिलाओं के लिए एक तिहाई जो है रिजर्वेशन की कि हर जगह पर वन थर्ड जो होगा वो महिलाएं ही होगी कितनी अच्छी चीज है बच्चों लाइक लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है बट पता है दुख की बात यह है कि अभी तक नेशनल लेवल पर वुमेन गेट नो रिजर्वेशन तो इसी वजह से उनका प्रपोर्शन जो है काफी कम देखने को मिलता है लेकिन यहां पर कर दिया गया भाई फिक्स की एटलीस्ट कम से कम एक तिहाई सीटें तो महिलाओं के लिए रिजर्व करी जाएंगी उससे ज्यादा भी आ रही है तो आने दो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट है पंचायत एंड म्यूनिस्पल इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसका हम स्टेट इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं उसको भी हर राज्य में बनाया गया है ताकि वो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को कैरी आउट कर सके यार आपको पता होगा कि नेशनल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं जो जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा वाले उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और हर स्टेट के अंदर भी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन सिमिलरली उसी तरीके से स्टेब्लिश कर दी गई है ताकि स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं उनको भी देखेगी प्लस म्यूनिसिपल इलेक्शन और हमारे जो पंचायत इलेक्शन है उनको भी देखेगी और कंडक्ट करवाएगी एक फ्री और फेयर तरीके से नेक्स्ट चीज जो करी गई स्टेट गवर्नमेंट्स रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज नेचर ऑफ शेयरिंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट और राज्य सरकारों को यह बोल दिया गया कि आपको अपनी कुछ पावर और अपना कुछ पैसा रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज और ये जो शेयरिंग है इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट तो किसी स्टेट में मतलब हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हिसाब हो कि ज्यादा पैसा शेयर करना कहीं पर थोड़ा कम हो पावर वगैरह का वेरी कर सकता है ऐसा तो नहीं कि सिमिलर कि भाई यहाँ पे भी उनको दस लाख देने यहाँ पे भी दस लाख इट कुड कु ठीक है तो ये पांच चेंजेस लेकर आए गए थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ कौन सी थी ये 1992 और बच्चों इस 1992 के अमेंडमेंट के बाद हम लोग देखते हैं कोशिश क्या करी गई थी कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को और ज्यादा सशक्त करने की और ज्यादा मजबूत बनाने की तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर साल पूछ लिया जाता है तो एक तो रेगुलर इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया दूसरी चीज एस सीज एस टीज ओबीसी के लिए रिजर्वेशन कर दी तीसरी चीज महिलाओं के लिए वन थर्ड सीट्स रिजर्व कर दी चौथी चीज स्टेट हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये बोल दिया गया कि आपको अपनी कुछ पावर और कुछ रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर ही करना पड़ेगा और पांचवी चीज जो हमने देखी वो क्या थी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी को क्रिएट कर दिया फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन तो ये पांच हमारे जो है यहाँ पर अमेंडमेंट के थ्रू बदलाव लाए जाते हैं अब बच्चों जो लास्ट चीज है मैं आपको स्ट्रक्चर समझाती हूँ कि किस तरीके से एक छोटे से गाँव के लेवल से हमारी सरकारें बननी चालू हो जाती है तो यार या तो एक बहुत बड़ा विलेज है या छोटे दो तीन विलेजेस है उनको मिलाकर बनती है एक पंचायत उस पंचायत के अंदर जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्राम सभा वो ग्राम सभा इलेक्ट करती है सरपंच और पंच को जो कि उस पंचायत की एक तरीके से और वो एक बॉडी होती है ग्राम पंचायत की जो कि उस पंचायत में रूल करेगी अब ग्राम पंचायत जो रूल कर रही है उस रूल पर ध्यान देगी ग्राम सभा और ग्राम सभा के जो मेंबर्स होंगे वो साल में दो बारी या तीन बारी मिलेंगे और वो देखेंगे क्या देखेंगे वो लोग वो देखेंगे कि एक तरीके से एनुअल बजट को अप्रूव करेंगे कि जितना बजट बना है उसको अप्रूवल भी ग्राम सभा के लोग देंगे और ग्राम पंचायत ने कैसा परफॉर्म करा है उसको भी रिव्यू करेंगे तो इट्स लाइक वेरी डायरेक्ट ठीक है कंट्री वाइड लेवल पे वो चीज काफी डिफिकल्ट होती है बट हाँ लोकल लेवल पे इट्स वेरी वन टू वन डायरेक्ट ठीक है समझ में आई बात एक और बारी मैं रिपीट करती हूँ तो अगर सपोज ये गांव है या फिर एक नहीं तो इसको ही बोल दिया एक बहुत बड़ा गांव है इसको हमने बोल दिया दिस इज द पंचायत अब इस पंचायत के अंदर जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं वो सारे ग्राम सभा के लोग ग्राम सभा के लोगों ने चुना ग्राम पंचायत को जिसमें पंच और सरपंच होगा उस ग्राम पंचायत का, का काम है रूल करना बट उस रूल को देखना रिव्यू करना उनकी परफॉर्मेंस को ये काम है ग्राम सभा का ही और ग्राम सभा ही एनुअल बजट को रिव्यू भी करेगी फिर बच्चों जब बहुत लाइक बहुत सारी एक तरीके से ग्राम पंचायत मिल जाती हैं तो वो बना लेती है अपना ब्लॉक मंडल या पंचायत समिति और फिर जब वो सारी बहुत सारी पंचायत समिति मिलके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं वो बनाती है जिला परिषद और जिला परिषद का लीडर होता है हमारा जिला परिषद का चेयरपर्सन सिंपल सी चीज है ठीक है तो ऐसे ऐसे एक, एक गाँव से लेकर जिले तक आप पहुंच जाते हो तो ये पंचायती राज सिस्टम यही है ग्राम पंचायत बिल्कुल हमारे पंचायत के लेवल पर होती है फिर बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलके ब्लॉक या पंचायत समिति और फिर पंचायत समितियां मिलके जिला परिषद को फॉर्म करती हैं उसके बाद अगर हम चले अपने अर्बन लोकल गवर्नमेंट शहरों की बात करने को अभी तक गांव की बात कर रहे थे शहरों की बात करें और लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो दो टाइप की लोकल गवर्नमेंट पाई जाएगी एक होगी म्यूनिसिपैलिटीज म्युनिसिपैलिटी के हेड को बोलते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन और म्यूनिसिपैलिटी होती है टाउन्स में म्युनिसिपैलिटी बच्चों पाई जाती है टाउन्स में और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ये आपको बिग सिटीज में मिलेगी और इनके लीडर को बोला जाता है मेयर ठीक है तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल एंड द अर्बन लोकल गवर्नमेंट और एक लास्ट चीज जो यहां पर हम लोग देखेंगे देखो इतनी ज्यादा कोशिशों के बाद कि भाई हमको जो है रूरल लेवल तक डेमोक्रेसी को पहुंचाना है सशक्त करना है लोकल बॉडीज को सब कुछ करने के बाद भी लोकल बॉडीज प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे हो तो रहे हैं एंथुजियास्टिकली बड़े जोश के साथ कंडक्ट किए जा रहे हैं लेकिन जो ग्राम सभा है जिसका काम क्या है कि उसको रेगुलरली दो, दो बार या तीन बारी साल में मिलना है वो नहीं मिल रही तो फिर कैसे काम बनेगा ठीक है उसी के साथ मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स अभी तक भी मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी पावर्स जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पावर्स वो लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करी हैं और ना ही अपने एडिक्वेट रिसोर्सेस भी उनके साथ बांटे हैं तो भाई सॉल्व करो इस दिक्कत को फिर ठीक है तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है बच्चों फेडरलिज्म वो होता है समाप्त आई होप यू ऑल लाइक द चैप्टर आज हमने इसको एक ही क्लास में समाप्त करा है सबको मजा भी आया होगा सबको समझ में भी आया होगा चैप्टर आई एम रियली श्योर और सोशल uh, स्टडीज तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ लेकिन उसी के साथ साथ मैथ्स इंग्लिश साइंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए आते ही रहेंगे उनकी क्लासेस भी आती रहेंगी अगला लेक्चर भी आपको यहीं कहीं मिल जाएगा और आप लोगों को कुछ नहीं करना है सिंपली बच्चों वीडियोस को देखते रहना है टाइमली आकर देखते रहना है पढ़ते रहना है हमसे और कमेंट करना मत भूलिएगा ठीक है अगर कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट कर दीजिए अगर कोई सजेशन है तो उसको भी कमेंट कर दीजिए अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट है तो वो भी कमेंट कर दीजिए ठीक है अपना प्यार बनाए रखिए बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय 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 बायस